नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 18 से 30 साल तक की उम्र के उम्मीदवार 24 मार्च रात तक या उससे पहले ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि टैक्स असिस्टेंट MTS के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 27 साल होनी चाहिए। 71 पदों पर निकली भर्ती के लिए आवेदन उम्मीदवारों को ऑफलाइन मोड में करना होगा। इसके आवेदन फॉर्म को आधिकारिक वेबसाइट IncomeTaxBengaluru.org पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टोंक जिले के देवली शहर के समीप कोटा राजमार्ग पर बासनी गांव के निकट बाइक सवार को बचाने के दौरान कार के पलट जाने से उसमें सवार विवाहिता सलोनी की दर्दनाक मौत हो गई। दीपक गत 2 दिन पूर्व अपने धर्म बहन के परिवार में हुई शादी में शामिल होने के लिए पत्नी सलोनी के साथ अजमेर गया था। वह कार से वापस लौट रहा था, इस दौरान बाईपास पर एक होटल पर चाय पीकर झालावाड़ के लिए रवाना हो गया। हिंडौली थाना अंतर्गत बासनी में मंदिर के समीप एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में दीपक की कार अनियंत्रित हो गई। हादसे में कार पलट गई। हादसे में सलोनी की मौत हो गई। विवाहिता की गत 5 फरवरी 2022 को झालावाड़ निवासी दीपक से शादी हुई थी। अजमेर में 32 वर्षीय युवती से शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर पहला फुसलाकर 2 साल तक अपने साथ रखा और इस बीच चोरी छुपे उसके लाखों के जेवरात बेच दिए। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी है। 32 वर्षीय पीड़िता ने क्रिश्चनगंज थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि बड़ी होकरा तहसील पुष्कर के रहने वाले युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ ले गया और 2 साल तक उसके साथ गलत काम करता रहा। आरोपी ने उसके पास रखे 1 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात बेच दिए। पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कोटा जिले में 2 साल से लकवा पीड़ित पिता की नशेड़ी बेटे ने निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने पिता का कान काट लिया। इसके बाद पिता के सिर पर लोटे से तब तक लगातार वार किए जब तक दम नहीं निकल गया। बेटा फरार है। आरकेपुरम थाने के CI अनिल जोशी ने बताया कि श्रीनाथपुरम निवासी 65 वर्षीय राधेश्याम मेहरा लकवे से पीड़ित और लाचार थे। 17 फरवरी को बेटी की शादी थी। 18 फरवरी को सुबह बेटी की विदाई के बाद घर के अधिकतर लोग सोने चले गए, तभी नशेड़ी बेटा अजय आया, उनके पिता का कान काट लिया और सिर पर लोटे से उनके दम तोड़ने तक वार करता रहा। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर में एक ज्वेलर से 2 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। ग्राहक ने सोने के जेवरात खरीदे और ऑनलाइन पेमेंट की कहकर जेवरात ले गए। मात्र छाया आना सागर लिंक रोड अशोक मार्ग निवासी दिलीप केवलरमानी ने किशनगंज थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनकी वैशाली नगर में सेवाराम प्रेमचंद ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। जनता कॉलोनी में रहने वाली हाविया जेठवानी अपने भाई भाभी सुनील और नेहा के साथ दुकान पर आई। ज्वेलरी खरीदने के बाद 2,26,000 के भुगतान के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर किया, लेकिन नहीं हुआ। पहले से परिचित थी तो विश्वास कर शाम तक पेमेंट भेजने को कहा। शाम को घर गया तो भाविया ने नेहा के खाते से 30,000 रुपए जमा करवाए, लेकिन बाकी पैसे नहीं दिए। भाविया सुनील व नेहा ने मिलकर एक राय होकर धोखाधड़ी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोंक जिले के लांबा हरी सिंह कस्बे के मालपुरा से अजमेर जाने वाले स्टेट हाईवे पर ग्राम हाथ की मोड़ के समीप बेकाबू क्रेन और बाइक की भिड़क में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि युवक के चचेरे भाई की बुधवार को शादी होने से शादी की खुशियों शोक में बदल गई। SI रामनारायण गुर्जर ने बताया कि कचोलिया गांव निवासी 35 वर्षीय भूपेश भादा देर शाम को बाइक पर कचोलिया गांव जा रहा था। अजमेर रोड पर हाथ की मोड़ के समीप मालपुरा की तरफ आ रही एक क्रेन वह बाइक में भिड़त हो गई, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। युवक की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक भूपेश के चचेरे भाई की बुधवार को मालपुरा में शादी हुई है। उसकी मौत से शादी विवाह में शोक छा गया। मृतक जयपुर के बगरू में होमगार्ड था। वह बुजुर्ग माँ पिता सहित पत्नी व 2 साल की बेटी का भरण पोषण करता था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशासक और संभागीय आयुक्त BL मेहरा ने कहा कि
कि मोबाइल फोन का दुरुपयोग परीक्षा लेने वाली संस्थाओं और समाज के लिए एक घातक शस्त्र के रूप में काम कर रहा है। किसी भी परीक्षा की विश्वसनीयता उसके पारदर्शितापूर्ण, निष्पक्ष और स्टीक मूल्यांकन पर निर्भर करती है। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि उड़न दस्तों में निष्पक्ष और ईमानदार कार्मिकों की नियुक्ति करें। उड़न दस्ते संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों का सघन और सतत निरीक्षण करें। मैरा बोर्ड की अगले माह से आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए राजीव गांधी भवन में राज्य के संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों पर भ्रष्टाचार विरुद्ध मुहिम के तहत विजिलेंस ब्यूरो ने एक एसआई को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार जिला फिरोजपुर के सब इंस्पेक्टर जरनैल सिंह इंचार्ज पुलिस चौकी मुद्दकी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ काबू किया है। विजिलेंस प्रवक्ता ने बताया कि उक्त सब इंस्पेक्टर के खिलाफ सेवक सिंह निवासी फरीदकोट ने दी शिकायत में बताया कि सब इंस्पेक्टर एक शिकायत मामले में दोनों पक्षों में समझौता करवाने के लिए 30,000 रुपए मांग रहा है। मामले में उसका लड़का भी शामिल था। शिकायतकर्ता ने सारी बातचीत फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर आरोपी एसआई को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। आईपीएल से पहले राजस्थान में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होने जा रही है। इसमें सुनील शेट्टी, रितेश देशमुख, सोहेल खान, सोनू सूद, जिमी शेरगिल, आयुष्मान खुराना जैसे 100 से ज्यादा सेलिब्रिटी चौकों छक्कों की बुशार करते नजर आएंगे। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में 25 और 26 फरवरी को 4 मैच खेले जाएंगे। यहाँ म्यूजिक की बीट्स पर बॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर प्लेयर्स को चीयर अप करते नजर आएंगे। मैच के बाद सेलिब्रिटी नाइट का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें बॉलीवुड स्टार जयपुर राइड्स के साथ पार्टी करेंगे। हालांकि आफ्टर मैच पार्टी में चुनिंदा लोगों को ही एंट्री मिल पाएगी। 2 दिन तक चलने वाले इस मैच के दौरान सभी सेलिब्रिटीज जयपुर में ही रहेंगे। हरियाणा के प्रसिद्ध हरियाणवी गायक और कलाकार मासूम शर्मा को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। मासूम जिंद जिले के रहने वाले हैं। उनको 2 अलग अलग नंबरों से कॉल कर धमकाया गया। जुलाना थाना पुलिस ने केस दर्ज कर साइबर टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है। गांव ब्राह्मण वास के रहने वाले कलाकार मासूम शर्मा ने बताया कि रात 10 बजे उसके पास कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को सुमित मलिक भैंसवाल बताया और गाली गलौच शुरू कर दिया। सुमित मलिक ने धमकी दी, जिस पर मासूम ने फोन काट दिया। कुछ समय बाद दूसरे नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आई और गैंग के नाम से सुमित मलिक ने धमकाते हुए जान से मारने की धमकी दी। मासूम शर्मा ने कहा कि उसने कॉल को रिकॉर्ड भी किया है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।